अभी शाहरुख का जादू हमारे सर से उतरा नहीं है क्योंकि जवान का फितूर तो अभी तक चढ़ा हुआ है, लेकिन अब लेकर आ रहे हैं हमारे भाई यानी कि सलमान अपनी फिल्म का जादू। टाइगर 3 आने वाली है और हम सब उसे थिएटर में देख पाएंगे 10 नवंबर को, जो दिवाली पर रिलीज होगी। बहुत समय से इसका इंतजार चल रहा था क्योंकि सलमान खान की टाइगर मूवी इतनी धमाकेदार होती है कि बस और कुछ नहीं सोचता। सलमान खान कटरीना तो उसमें होंगे ही, कुछ और स्पेशल अपीयरेंस भी है जो हमें लुभाने को तैयार है। सरप्राइजेस से भरपूर है ये फिल्म। सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो खानों के कंधे पर ही आगे बढ़ रही है। शाहरुख खान का जादू तो बरकरार है ही, लेकिन सलमान खान का जादू तो सर चढ़ के बोलता है। तो देखते हैं कि टाइगर 3 में ये जादू बरकरार रहता है कि नहीं। वैसे तो पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, और अभी जब शाहरुख की जवान अपना जलवा दिखा ही रही है तो कोई बात नहीं, एक और फिल्म की एंट्री हो जाएगी उस जलवे में शामिल होने के लिए, क्योंकि इसमें तो शाहरुख भी आ रहे हैं। जो इंतजार कर रहे हैं कि शाहरुख सलमान जब भी किसी फिल्म में साथ आते हैं तो उस फिल्म का मुकाबला कोई और फिल्म कर ही नहीं सकती। पहले भी बहुत सारी फिल्मों में ये लोग साथ आ चुके हैं। करण अर्जुन, कुछ कुछ होता है, हर दिल जो प्यार करेगा, हम तुम्हारे हैं सनम, ओम शांति ओम, ट्यूबलाइट, जीरो और उसके बाद पठान। लेकिन अब आ रहे हैं टाइगर 3 में। तो टाइगर 3 में क्या खास है, कौन कौन से स्पेशल अपीयरेंस होंगे, कौन कौन हमें सरप्राइज देने आ रहे हैं, शाहरुख की एंट्री कैसे होगी, किस मौके पर होगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी अपने इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जानते हैं टाइगर 3 में सलमान हमारे लिए क्या स्पेशल ला रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल लीड की, तो सलमान खान तो हैं ही, इसके अलावा कैटरीना कैफ हैं और विलेन की भूमिका में हमारे इमरान हाशमी हैं जो कि किसर बॉय के रूप में फेमस रहे हैं। जवान की कावेरी अम्मा यानी रिद्धि डोगरा भी इसमें आपको दिखेंगी। आशुतोष राणा की एक्टिंग भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। एडवर्ड सोनेनब्रिग भी हैं जो अधिकतर फॉरनर का किरदार ही निभाते हैं। रणवीर शौरी हैं। रेवती भी हमें देखने को मिलेगी जो पहले सलमान की हीरोइन बनके आ चुकी हैं। कुमुद मिश्रा, अनुप्रिया गोयंका, विशाल जेठुआ। अब बारी आती है कैमियो में कौन कौन है, तो शाहरुख खान तो हैं जिसके लिए हर तरफ चर्चा हो रही है, इसके अलावा ऋतिक रोशन भी आपको देखने को मिलेंगे कैमियो रोल में, और कौन कौन से हैं कैमियो के किरदार में ये अभी सस्पेंस है। तो चलिए अब टाइगर 3 की स्टोरी के बारे में भी बात कर ली जाती है। टाइगर न्यूजीलैंड में है और इंडिया के रॉ हेडक्वार्टर से टाइगर को ईरान पहुंचने की ही कहानी है। तो खबर मिलने के बाद टाइगर ईरान जाने की तैयारी में है। कैटरीना जो उनकी वाइफ हैं वो साथ जाना चाहती हैं, लेकिन टाइगर बाद में एक दोस्त के साथ उनको बुलाने का बोलकर चला जाता है। अब आप कुछ कुछ समझ ही रहे होंगे कि वो दोस्त कौन हो सकता है, यानी कि वो दोस्त हैं शाहरुख, जैसा कि हमें पठान में देखने को मिला। शाहरुख ने कहा था जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब मुझे बुला लेना, तो बस उसी ज़रूरत के कारण ही शाहरुख इस फिल्म में आते हैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए। ISI का एक एजेंट है मुस्तफ़ा जो कि विलन है, और इमरान हाशमी इसमें विलन के किरदार में हैं। शाहरुख यानी पठान की एंट्री तब होती है जब टाइगर को पता चल जाता है कि उसको कैद किया जा सकता है तो मदद लगेगी, और जैसे पठान में टाइगर को मैसेज किया जाता है बस वैसे ही मैसेज किया जाता है, और वो कैटरीना कैफ यानी उनकी वाइफ को लेकर ईरान पहुँचते हैं। किस तरह से टाइगर को उनकी कैद से छुड़ाया जाता है और ISI के एजेंट्स का खात्मा किया जाता है, बस यही है टाइगर की स्टोरी। शाहरुख और सलमान खान की एंट्री एक साथ जब होती है वो सीन भी देखने लायक होगा। पहले टाइगर 3 21 अप्रैल 2023 में आने वाली थी और फिर इसकी डेट बढ़ाकर दिवाली के समय बुक कर दिया गया ताकि उस समय कोई और बड़ी फिल्म ना आए, क्योंकि आपको तो पता है कि बॉलीवुड पर राज करते हैं खान, उनकी फिल्म आने वाली होती है तो थोड़ी छोटी फिल्में इधर उधर हो जाती है, कोई जल्दी उनसे टकराना नहीं चाहता, खौफ तो खौफ होता है। बाहर से खबरें तो ये आ रही है कि शाहरुख के फैन टाइगर 3 बायकॉट करने का बोल रहे हैं, पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, उन्हें तो स्क्रीन पर बस शाहरुख ही शाहरुख चाहिए। तो
भाई मानते हैं प्रेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा अंधा प्रेम भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे को मौका ही ना मिले। और वो दूसरा कौन, अपना सलमान भाई, जो बोलते हैं एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो जब उन्होंने बोल दिया कि वो टाइगर 3 लेकर आ रहे हैं तो लेकर आ रहे हैं। अब फैंस नाराज़ हों या गुस्से में पोस्टर फाड़े, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सालों तक उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है, एक से एक हिट फिल्में दी हैं और अभी भी देने को तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर टाइगर 3 की इतना ज़्यादा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। तो भाई वो सलमान है, उन्हें प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके फैंस ही उनके लिए प्रमोशन का काम करते हैं। और रही बात उनके इतने शांत बैठने की, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है कि गुपचुप वो कुछ और अच्छी मूवीज़ का प्लान कर रहे हैं, उसकी शूटिंग्स कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपके सामने गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ आने वाली है। चलिए जी, एक गुड न्यूज़ तो मैं ही आपको दे देती हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। टाइगर 3 का टीजर आ रहा है 27 सितंबर को, यानी दिन दूर नहीं है जब एक्शन करते हुए सलमान को देख पाएंगे। 27 सितंबर खास इसलिए है कि उस दिन यशराज फिल्म्स के मास्टरमाइंड यश चोपड़ा जी का जन्मदिन है और ये टीजर उनको ही समर्पित किया जाएगा। उसके बाद फिर लगातार हमें उसके सॉन्ग्स मिलेंगे, सीन्स मिलेंगे, ट्रेलर मिलेगा, यानी फिर आपके सामने त्यौहार के गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स दिए जाने लगेंगे और दिवाली तक आप इस गिफ्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। और फिर टाइगर 3 दिवाली में तो आपके त्यौहार को जगमगा ही देगी, सितारे ही सितारे भर देगी। अभी तक हमारे पास यही न्यूज़ है कि शाहरुख आ रहे हैं कैमियो करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अनाउंसमेंट ये नहीं है कि ऋतिक रोशन भी इसमें कैमियो करेंगे। तो जल्दी ही ये भी आपके सामने रिवील हो जाएगा, प्रमोशन के लिए ऐसा पोस्टर भी आ जाएगा जिसमें तीनों साथ में दिखाई देंगे। और आप भी तैयार रहिए स्पाई यूनिवर्स में एंट्री के लिए। लेकिन आपके लिए चौंकाने वाली एक खबर और है मेरे पास कि टाइगर 3 के टीजर के साथ गणपत का भी टीजर आ रहा है जिसमें रियल नेम टाइगर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसी फिल्म, ऐसी कहानी पहले कभी नहीं आई है। तो दोनों में टकराहट होगी। आपको क्या लगता है, टाइगर 3 का टीजर ज़्यादा देखा जाएगा या फिर गणपत का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिलहाल सलमान भाई जादू बिखेरने आ गए हैं, तो उम्मीद है आप सब थिएटर में जाएंगे। वैसे ये बोलने की बात नहीं है, आप सब जरूर जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, और उसके बाद इस फिल्म का रिव्यू आप देंगे फीडबैक के रूप में। तो फिल्म देखने के बाद आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार होगा। आप चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आपको सलमान खान की ये फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म में विलेन के रूप में इमरान हाशमी कितना अच्छा किरदार निभा पाए हैं, और साथ साथ इस फिल्म में जिन्होंने कैमियो किया है क्या उन्होंने आपको लुभाया, किस किस ने आपको इम्प्रेस किया और इस फिल्म की खासियत क्या रही है, ये सब आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करना शुरू कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।